तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सेव टमाटर की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। अगर आपको कोई हरी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा हो तो एक बार आप इस सेव टमाटर को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस टेस्टी सब्जी को कैसे बनाते हैं उसको आज हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम पैन में डाल रहे हैं 3 से 4 बड़े चम्मच तेल, और तेल को डालने के बाद इसको आप अच्छे से गर्म कर लें। जब आपका तेल गर्म हो जाए फिर इसके अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई दाना और साथ में 1 पिंच हींग। अब आपको क्या करना है, इसको कुछ सेकंड के लिए आपको सौते करना है, और उसके बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और साथ में हम डाल रहे हैं इसमें बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। अब आपको क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे प्याज को 4 से 5 मिनट चलाते हुए अच्छे से भूनना है, और प्याज को भूनने के बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और कंटिन्यू इसको हम 1 मिनट के लिए और भूनेंगे। और उसके बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे कि आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के करीब गरम मसाला, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, और साथ में थोड़ा सा पानी, जिससे जो हमारा मसाला है वो जले ना। अब इसको हम कंटिन्यू 1 से 2 मिनट मसाले को चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे, और जब हमारा मसाला भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 3 टमाटर को बारीक काट कर, और साथ में हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मिला लेना है, और मिला लेने के बाद इसको हम ढक देंगे और 5 से 6 मिनट इसको हम मीडियम फ्लेम पर ढककर अच्छे से पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं टमाटर को पकाते हुए, और ये देखिए हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से गल गया है। तो इस स्टेज पर अब आपको क्या करना है, इसके अंदर डालना है पानी। तो ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है उसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, पर मैं आपसे बोलूँगा आप ग्रेवी को थोड़ा पतला रखिएगा, क्योंकि जो सेब है ना वो ग्रेवी को पी लेते हैं। तो ग्रेवी को एडजस्ट करने के बाद अब इसको हम ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी को पकाते हुए, और ये देखिए हमारा जो ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुका है। तो अब इस स्टेज पर हमको क्या करना है, इसमें डालना है सेब। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ मोटा सेब, तो मोटे सेब का ही आपको इस्तेमाल करना है, और साथ में इसमें डालना है 1 चम्मच करीब शक्कर, और लास्ट में इसमें डालना है थोड़ा सा हरा धनिया। अब आप इसको अच्छे से मिला लें, और मिला लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको ढक देना है और 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसको ढककर और पकाना है। तो लीजिए, फाइनली आपकी सेव टमाटर की जबरदस्त टेस्टी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी पराठा जो भी आपको पसंद हो उसके साथ परोसें और एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपनों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस टेस्टी सेव टमाटर को आसानी से घर पर बना सके और इंजॉय कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।